हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएफ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस 18 इन विच सेम क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 17 बट सम डिफरेंस फ्रॉम दैट क्वेश्चंस। अशोक एंड किशोर वेयर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म द एसेट्स अदर देन कैश ऑफ 2000। देखिए यहाँ पे दिया है द एसेट्स अदर देन कैश ऑफ 2000। एसेट कैश 2000 को छोड़ करके ऑफ द फर्म रियलाइज 1,10,000। द लाइबिलिटीज एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वेयर एज फॉलो। क्रेडिटर्स इतना था, अशोक कैपिटल, किशोर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वेयर 1000। तो ये सब क्रेडिटर्स वेयर सेटल्ड इन फुल सेटलमेंट एट 38,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। आपको इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना ही बनाना है। आप कैसे बनाएंगे भाई? आप पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, इसलिए पहले मैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के आपको दिखा दे रहा हूं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसको हम कहते हैं टेम्परेरी बैलेंस शीट कहते हैं, मेमोरेंडम टेम्परेरी बैलेंस शीट कहते हैं इसको। अब इसमें देखिए एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैश के बारे में इंफॉर्मेशन है, 2000 कैश का बैलेंस है। तो आप एसेट में क्या करेंगे, कैश 2000 डाल लेंगे, ठीक। अब क्रेडिटर्स दिया है 40,000, क्रेडिटर्स लिख लीजिए, 40,000 हो गया। अशोक का कैपिटल 1,00,000, अशोक कैपिटल 1,00,000, किशोर कैपिटल, देखिए यहाँ पे करें किशोर कैपिटल डेबिट बैलेंस दिया है 10,000, तो इसको इधर लिखेंगे किशोर कैपिटल, किशोर कैपिटल एसेट साइड में लिखेंगे 10,000, ठीक। फिर क्या, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 8,000 डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 1,000, ये दूसरी चीज है, ठीक है। अब इतना इंफॉर्मेशन है, आपको बनाना है क्या, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो कैपिटल आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, आपका जो बैलेंस निकलेगा वो एसेट का बैलेंस निकलेगा, ठीक है। ये एसेट का बैलेंस निकलेगा, सन्ड्री एसेट्स का, सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस निकलेगा, ठीक है ना। ये 1,00,000 क्या होगा, 40,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 10, 8, 2, 10, 10, 20, 20,000 हुआ, यानी कि 1,20,000 का क्या हो गया, एसेट है, एसेट का बैलेंस निकल गया। यही आपका क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर कहते हैं इसको, ऐसे ही लिख देना चाहिए, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर, ऐसे ब्रैकेट में 1,20,000 का क्या आ गया, आपका एसेट आ गया। अब एसेट हम किनारे लिख ले रहे हैं, एसेट्स 1,20,000, ठीक। बाकी सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन इसमें है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट।
रिलेशन अकाउंट में सब डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। सबसे पहले लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितना है हमारा, अभी निकला था आपका 120,000। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज में आपका ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 40,000, ठीक। अब कह रहा है यहां पे कि द एसेट अदर देन कैश ऑफ 2,000 ऑफ द फर्म रियलाइज 110,000, तो बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज, ठीक। एसेट रियलाइज कितने का हुआ है, 110,000 का, 110,000 का एसेट रियलाइज हुआ है। अब आपको पेड क्या करना है, कर है कि क्रेडिटर्स वेयर सेटल्ड इन फुल सेटलमेंट ऑफ 38,000, तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब आप क्या क्या पेड किए हैं, क्रेडिटर्स 38,000 का पेड किए हैं, और क्या पे है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं 1,000, ठीक है। टोटल कितना है 39,000, आपने क्या किया है, पेड किया। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे 159,000, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर है अशोक और किशोर, अशोक और किशोर, अशोक और किशोर में बांटना है। यहां पर 140 और ये हो गया आपका 140 और 110, 150। अब आप 159 है, यानी कि 9,000 का आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 9,000 को आप किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 के रेशियो में बांटना है, तो आप यहां पे बांट लीजिए 9,000/3/4 और 1/4, ठीक है। अब बांट लेंगे तो 4 1 4 2 8 और 4 2 8, 4 5 20, ठीक। ये हो जाएगा आपका 0 3 5 15, 3 2 6 1 7, 3 2 6, 6,750 अशोक का, और ये हो जाएगा 2,250, ये हो जाएगा किशोर का, ठीक। आपका लॉस हो गया। अब हमको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पार्टनर्स कैपिटल, आप यहां पे कैश अकाउंट बना लीजिए, कैश अकाउंट बना लीजिए, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, हाँ। अब आते हैं, तो पहले से कैश का बैलेंस कितना है यहां पे 2,000, यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 2,000, ठीक। अभी हम आप यहां पे क्या बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए कैपिटल का कैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
कौन कौन पार्टनर है? अशोक और किशोर। क्योंकि कैश अकाउंट तभी कंप्लीट हो पाएगा जब हम कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, तभी कंप्लीट हो सकता है वो, इसलिए हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, तो ध्यान दीजिए बैलेंस शीट जब हम बनाए थे तो ये अशोक का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है 1,00,000, जबकि किशोर का बैलेंस इधर है 2 बैलेंस BD 10,000 था। इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को आप इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था प्रॉफिट लॉस अकाउंट? 8,000। 8,000 को जब 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो आएगा 3 × 1 = 4, 3 × 4 = 4, 2 × 8 = 8, 2 × 3 = 6, 6,000 or 2,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन का लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस है टू रियलाइजेशन का, ये कितना है 6,750 और 2,250, ठीक। बाकी कोई और ट्रांजैक्शंस नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बैलेंस निकालेंगे इसका। टेन टू ट्वेल्व, ट्वेल्व टू फोर्टीन, 14,250। क्यों इसका पहले निकाले? क्योंकि इधर बैलेंस नहीं है, इसलिए इसका बैलेंस इधर निकलेगा 14,250, ठीक है। 10,000 है इधर, इधर 12,000 ज़्यादा हो, या 1,00,000 है तो 1,00,000 इधर लिख लेंगे बैलेंस, इधर भी लिख लेंगे 1,00,000 इधर भी हो गया। अब इधर जो बैलेंस लिखा है लिखेंगे टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और 6,12,750, तो 6,12,000 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 87,250, ये हो गया। अब इधर बैलेंस नहीं निकलेगा, ठीक है, इधर निकलेगा बैलेंस बाई बैंक अकाउंट, सॉरी बाई कैश अकाउंट। ये कैश क्या करेगा, लेके आना पड़ेगा किशोर को, कितना 14,250 लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कैश अकाउंट पे, तो अब जितना रियलाइजेशन से मिला है टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, कितना मिला है टू रियलाइजेशन अकाउंट से 1,10,000। अब टू देखिए किशोर से कितना मिला है 14,250, लिखेंगे टू किशोर कैपिटल्स, किशोर्स कैपिटल अकाउंट 14,250 किशोर से मिला है। अब पेमेंट किसको किसको करना है, यहाँ पे देखिए बाय रियलाइजेशन जिसको जिसको आपने पेमेंट किया है इकट्ठे टोटल आपने कर दिया है 39,000 यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटी पेड, ठीक। अब लाइबिलिटी पेड कर दिया आपने, अब यहाँ पर किसको पे करना है, किस पार्टनर को, अशोक को, लिखेंगे बाय अशोक कैपिटल, ठीक है। अशोक कैपिटल को कितना पे करना है 87,250, ठीक। अब यहाँ पे टोटल कर लेंगे, दोनों तरफ का टोटल क्या होगा, इक्वल आएगा, देखिए 250, ठीक, और 7,97,16,1 or 8,3,11,11,1,12, 126,250। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 1,10 or 14, 124 to 126,250।
देखिए आपका यही कैश अकाउंट का बैलेंस दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ आपको करना है पूरे इस डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में, जिसमें बैलेंस शीट न दिया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो, उस इन्फॉर्मेशन के बेस से आपको क्या करना है, बनाना है उसको, ठीक है। और आपको इसके आगे जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं उनको सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से या कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।